शुक्रिया जगदीश जी का और प्रज्ञा जी का, और प्रज्ञा जी का खास शुक्रिया इसलिए क्योंकि यहाँ आने वाले शायद बेशुमार गलतियां करते हैं और उन तमाम गलतियों को दरकिनार करने के बाद ये बेहतरीन थी, खूबी निकाल के आपके सामने पेश कर। इससे पेश किया गया कि आय ढूंढती है अच्छू की नजर, जो अहले हुनर है वो कमाल ढूंढते हैं। इसी के साथ मैं शुरू करता हूं। एक शेर है, खालीपन से पूरा भरा है। खालीपन से पूरा भरा है दिल, ये कमबख्त छलकता लग रही। इसी के साथ एक और शेर है, दो लाइन में कहना चाहूंगा कि आज सुबह आसमान की खिड़की से झांकते हुए एक जर्द चेहरे के सूरज ने मुझसे कहा, आज सुबह आसमान की खिड़की से झांकते हुए जर्द चेहरे के सूरज ने मुझसे कहा कि लो मैं फिर आ गया, लो मैं फिर आ गया एक नए दिन की एक और सुबह लेकर। मुबारक हो कि एक और दिन तुम्हारी किस्मत में है। मुबारक हो कि एक और दिन तुम्हारी किस्मत में है। मैं अब एक कविता पढ़ना चाहूंगा। ए भाग्य तू है भाग्य केवल, ए भाग्य तू है भाग्य केवल, दे मुझे वैराग्य केवल, और मृत्यु धन्य होने का हो प्राप्त मुझे सौभाग्य। जीवन दर्शन कर लिए इतना है पर्याप्त, जीवन दर्शन कर लिए इतना है पर्याप्त, कल होना है अब हो जाए, देह होना है समाप्त। क्यों जीवन में मानव के तूने लिखे निश्चित वर्ष, क्यों जीवन में मानव के तूने लिखे निश्चित वर्ष, और उसमें भी लिख डाला असहनीय संघर्ष। दुखों का अनंत काल और सुख का केवल स्पर्श, क्यों शरीर ही आत्मा त्याग केवल, ए भाग्य तू है भाग्य केवल, दे मुझे वैराग्य केवल, और मृत्यु धन्य होने का हो प्राप्त मुझे सौभाग्य। बहुत सारी शुभकामनाएं शायद आपके लिए। सुनते हो तो कविता की जो उम्र होती है वो मेल नहीं खाती आपकी उम्र से। बास का ये मुझे नहीं पता लेकिन ये कैसी बात है, ये अच्छी है, ये सही है, ये क्या है, लेकिन ये बात है।